रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आता है जब पार्टनर हमारे वैल्यू नहीं करता, हमारे रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या करें जिससे पार्टनर आपकी वैल्यू करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका जोश से जुनून चैनल पर। देखिए, अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने बात करने की कला को बदलिए, चेंज कीजिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पार्टनर बोर हो जाता है, हम डेली कॉल पे बात कर रहे हैं, बस रोज़ कॉल पे ही हमारी बातें हो रही है, तो ऐसे में पार्टनर बोर हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, अगर आपकी बातचीत नॉर्मल मैसेज पर हो रही है तो आप उसे कॉलिंग पर स्विच कीजिए, अगर कॉल पर ही बातचीत हो रही है तो आप उसे वीडियो कॉल पर स्विच कीजिए, यानी आप अलग अलग ट्रिक यूज़ कीजिए, अलग अलग तरीके से बात कीजिए। इसके अलावा आपकी बात करने का जो लहजा है, जो टोन है, जो तरीका है, उसे भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखो, किसी भी शख्स को इम्प्रेस करने के लिए, पार्टनर की ही बात नहीं है, कहीं पर भी किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए जो सबसे मेन फैक्टर होता है, वो होता है आपकी बात करने की शैली, आपके बात करने का टोन, कि आप कैसे बात करते हैं। अगर कोई सा भी एक सेंटेंस है, कोई सा भी एक वर्ड है, अगर उस वर्ड को बोलने के लिए मैं बोलूँ तो अलग अलग लोग अलग अलग लहजे में अलग अलग तरीके से उसे प्रेजेंट करेंगे, यानी हर किसी का बोलने का तरीका अलग अलग होगा। हालांकि एक ही बात बोलेंगे, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होगा। किसी का तरीका कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आएगा तो किसी का नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप अपने बात करने का जो कला है उसे इम्प्रूव कीजिए। आप मीठी बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए, रिस्पेक्ट के साथ बातें कीजिए। यार, जो पार्टनर आपसे बोर हो रहा था ना, वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा और आपकी वैल्यू भी करेगा। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसे ज़्यादा टाइम मत दो। होता यह है कि जो हमारी केयर नहीं करता, जो हमारी फिक्र नहीं करता, हम उसी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। यानी जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है हम उस पर ध्यान नहीं देते, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसके पीछे भागते हैं। और इसी चक्कर में जो सामने वाला व्यक्ति, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी वैल्यू को समझता ही नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जब पार्टनर आपकी वैल्यू ना करे, आपकी कद्र ना करे, आपकी अहमियत ना समझे, तो आप उसे टाइम देना कम कर दो और उसके लिए हमेशा अवेलेबल भी मत रहो। क्योंकि जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो ना, तो फिर वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल की मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 3-4 अलग अलग फ़ोन रहेंगे, काफ़ी सारे आपके पास स्मार्टफोन्स रहेंगे, तो आप किसी भी फ़ोन की वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर आपके पास एक आईफोन रहेगा, एक iOS का फ़ोन रहेगा, एप्पल का आईफोन रहेगा, तो आप उसकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक है। लेकिन बाकी स्मार्टफोन आपके पास 4-5 है, तो आप वैल्यू किसकी करोगे, आईफोन की, क्योंकि वो लिमिटेड है, वो एक है। इसी प्रकार से जब आप किसी को लिमिट में टाइम देंगे तो वो आपकी वैल्यू करेगा, वो आपकी अहमियत को समझेगा। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा उसे टाइम देंगे, आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता है, इज्जत नहीं करता, आपकी अहमियत नहीं समझता, तो आप उसे धीरे धीरे करके टाइम देना कम कर दो, उसके लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, कि आपको एक बार में किसी को हाँ नहीं करना है। जैसे अगर आपकी पार्टनर आपको कुछ भी बोलता है या फिर बोलती है कि यहाँ जाएंगे, फिर ये खरीदेंगे, वहाँ घूमेंगे, तो एक बार में आप हाँ मत बोलो। पहली बारी में आपको ना बोलना सीखना होगा। अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो ना, खुद की आप इज्जत बनाना चाहते हो, तो आपको ना बोलने की आदत डालनी होगी। आप एक बार में हाँ मत बोलो। मुझे पता है कि आप भी जाना चाहते हो, अगर आपको प्रपोजल मिल रहा है तो आप एक बार में एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आप सो ऐसा करो कि आपको नहीं चाहिए, आप पहली बारी में ना बोल दो। इससे आपकी जो वैल्यू है ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। तो अगर आपकी पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करती, आपकी वैल्यू नहीं करती, तो वो कुछ भी अगर बातें बोलती है तो आप पहली बारी में ना कीजिए। सेकेंड बारी, थर्ड बारी में आप उसे हाँ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहली बारी में आप उसे ना ही कीजिए। आप इससे देखना यार, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वो बार बार सोचेगी कि जो इंसान एक बार में मेरी बातों को मान जाता था, एक बार में हाँ करता था, आज उसे अचानक क्या हो गया, उसे वो ना क्यों कर रहा है, वो ना क्यों कर रहा है। मेरे लिए इतने सारे लोग मरे जा रहे हैं, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं जब किसी को कुछ बोल रही हूँ तो वो ना क्यों कर रहा है। फिर वो आप उसकी नज़रों में स्पेशल बन जाओगे, वो आपके बारे में सोचेगी, आप उसके दिमाग में चलते रहोगे। और ऐसा आपको हर बारी करना है, हर बारी, मतलब कुछ भी ऐसा बात नहीं करते, पहले पहले मैं आपको ना कर देनी है, उसके बाद आप हाँ कर सकते हो। जैसे कहीं घूमने जाना है कि बेबी चलो हम वहाँ घूमने चलते हैं,
तो नहीं यार अभी जाते नहीं, मैंने कहा मेरे को बहुत सारा काम है। फिर जब वो दो बार तीन बार चार बार बोले तब बोल सकते हो ठीक है चलो आपके लिए मैं चलूँगा ज़रूर, इधर ड्रॉप कर दूंगा आपके साथ में रहूँगा, अब ये बोल सकते हो। लेकिन पहली बार में आपको ना बोलना है, इससे बहुत फर्क पड़ता है भाई, समझो इस बात को, है ना। तो अगर आपकी पार्टनर आपकी अहमियत नहीं करता समझता ना, तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। पहली बारी में ना बोलो, सेकेंड बारी थर्ड बारी में उसे हाँ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। इससे आपकी वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी, और जो शख्स आपकी अहमियत नहीं करता, जो आपकी वैल्यू नहीं करता था, वो भी आपकी वैल्यू करेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना होगा वो है कि आप बात के पक्के बनो, यानी अगर आप कुछ भी बोलते हो तो उसे पूरा करने का दम रखो, या फिर बोलो ही मत। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे ही हवा में बात करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहाँ कर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, काफ़ी सारे बातें कर देते हैं, लेकिन एक भी बात में वो अमल नहीं रहते, पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में आपकी जो वैल्यू है ना वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, फिर पार्टनर जो है इज्जत नहीं करता, पार्टनर वैल्यू नहीं करता। तो आप क्या कीजिए, अपनी बातों को अमल करना सीखिए, अपनी बातों पर पक्के बने रहो। अगर आप जो कुछ भी बोलते हो ना उसे करने का दम रखो, जिगर रखो, और पूरा कर भी दो। अगर आपने कहा है अपनी अपनी पार्टनर को कि मैं आपको आईफोन दूंगा तो दे दो, और अगर नहीं दे सकते तो फिर बोलो भी मत। जो भी आपकी औकात है आप उतना ही बातें करो। इससे ये होगा कि वो जो पार्टनर है वो आपके लिए पॉजिटिव सोचेगी, ना कि नेगेटिव सोचेगी, और आप किसी चक्कर में इज्जत भी करेगी, वैल्यू भी करेगी। इसलिए बातों का पक्का बनो, अपने बातों को अमल करना सीखो, इससे भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी यार। मतलब अब तक जो आपकी इज्जत नहीं करता था ना वो भी आपकी इज्जत करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपकी बातों को मानेगा, समझेगा। बहुत फर्क पड़ता है यार ये चीज़ें। तो आप क्या करो, अपनी बातों को अमल करना सीखो, या फिर बात ही मत करो, उतनी ही बातें करो जितना आप पूरा कर सकते हो, उसे निभा सकते हो। ज़बरदस्ती के मत बोलो कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, नहीं यार मत बोलो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा, ठीक है। जो आप कर सकते हो वही बातें करो और उस पर अमल रहो, उसे पूरा ही करके दिखा दो। पार्टनर देखना आप में पूरा इंप्रेस हो जाएगी और आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगी, आपकी बातों को मानने लग जाएगी। एक बार में आप जो कुछ बोल दोगे ना वो उसे मानेगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि आप अपने बातों के पक्के हो, अपने बातों को आप अमल करते हो। इसके अलावा एक सबसे मेन पॉइंट है, वो है बिजी शेड्यूल। जितना हो सके आप अपने आप को बिजी शेड्यूल में डाल कर रखो, अपने आप को बिजी बताओ, भले आप फ्री रहो लेकिन अपने आप को बिजी शो अप करो। अगर वो एक बार मैसेज करती हाय करके, तो आप क्या करते हो, हाय हेलो क्या करी हो, खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बहुत सारे मैसेज चिपका देते हो। तो ऐसा मत करो, अगर वो हाय का मैसेज करती है ना तो 5 मिनट 10 मिनट बाद आप उसे हेलो करके रिप्लाई करो, बस हेलो करो, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। मतलब अपने अंदर थोड़ा से पॉजिटिव वाला एटीट्यूड रखना होगा। अब एकदम से ही एटीट्यूड लेस बन जाओगे ना तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा, और ऐसा करके आप अपनी वैल्यू खुद ही खुद बढ़ा सकते हो। यार मैंने ऐसे भी शख्स देखे हैं जिनकी कोई 5 पैसे की भी औकात नहीं है, ठीक है, जिसे कोई 5 पैसे की भी पसंद नहीं करता, लेकिन उनके अंदर ये जो क्वालिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें सारी क्वालिटी मिलती है, जिसके चलते अच्छे अच्छे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे यार मेरा एक फ्रेंड है पता है, वो एक ऐसी लड़की के पीछे पागल हो गया जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, जिसे कोई पूछता तक नहीं था, ऐसी लड़की के पीछे पूरी तरीके से पागल हो गया। रीज़न क्या था पता है, उस लड़की के अंदर ये सारे क्वालिटीज़ थे। लिमिट में टाइम देना, लिमिट में बात करना, अपने आप के बिजी शेड्यूल में डाल के रखना, मैंने आपको अभी जितनी भी बातें बताई ना ये सारी क्वालिटी उस लड़की के अंदर थी, और इसी चक्कर में मेरा जो एक फ्रेंड है ना उसके चक्कर में पूरा पागल हो गया। इसको अच्छी से अच्छी लड़की मिल रही थी बट उनको ध्यान नहीं दिया कि उसी लड़की के पीछे भागा, क्योंकि उनको पता है कि खुद की इज्जत कैसे कराते हैं, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं, खुद की वैल्यू कैसे कराते हैं, सब कुछ उसे पता था और ये सारी क्वालिटी उसके अंदर अवेलेबल थी, और इसी चक्कर में एक क्लिक में वो इस लड़के को इम्प्रेस कर पाए। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकती है, वो है कि आप सबकी रिस्पेक्ट करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी बंदी की रिस्पेक्ट करते, बाकी किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, तू तेरे मेरे वाला बात करते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए यार, आप सबकी रिस्पेक्ट करो। इससे ये होगा कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो ये सोचेगी कि जो बंदा सबकी इतनी रिस्पेक्ट करता है वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करेगा, वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो मेरी कितनी वैल्यू करता है। और आपको पता होना चाहिए, कहावत है, जो बोओगे
बस वही पाओगे। तो यार अगर आप इज्जत देना सीख जाओगे ना तो आपको इज्जत मिलने भी लगेगा। तो आप क्या कीजिए, हर किसी की इज्जत कीजिए, हर किसी की रिस्पेक्ट कीजिए, हर किसी को रिस्पेक्टफुल बात कीजिए, मतलब रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा यार। और आप देखना, जब आप ऐसा करोगे तो जो पार्टनर आपकी अहमियत नहीं समझती थी, जो आपकी वैल्यू नहीं करती थी, वो भी आपसे बात करना चाहेगी, आपके करीब रहना चाहेगी, आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगी और आपकी वैल्यू भी करेगी यार। बस अब इन चीज़ों को फॉलो करना प्रॉपर तरीके से, देख लेना आपको 1 वीक में रिजल्ट मिल जाएगा। और ऐसा अगर आप 1 मंथ 2 मंथ तक कर लेते हो ना तो आप अपनी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर पाओगे। आप देखना आपकी पार्टनर आपकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करेगी, आपकी अहमियत भी समझेगी और रिस्पेक्ट भी करने लगेगी। अब एक लास्ट पॉइंट भी मैं आपको बताकर जा रहा हूँ, वो ये है कि छोटी छोटी गतिविधियों पर आप उसकी तारीफ करो। जैसे अगर वो कुछ अच्छा करती है तो आप उसकी तारीफ करो, अरे वाह यार आपने कमाल कर दिया, अरे गजब यार मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आप ऐसे भी कर सकती हो। मतलब छोटी छोटी चीज़ों की आप तारीफ करो, इससे क्या होगा कि आप उसके दिल में अपने लिए एक अलग ही जगह बनाते चले जाओगे। क्योंकि देखो यार तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन तारीफ कब करता है, जब कोई बड़ा काम करे तो। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी तारीफ करोगे ना तो वो आपकी पार्टनर है ना, वो आपकी वैल्यू करेगी, आपकी इज्जत करेगी, आपको एक अलग ही लेवल पर देखेगी वो, और वो आपकी सारी बात को मानेगी भी। इसलिए छोटी छोटी गतिविधियों पर आप उसकी तारीफ करना। अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए ना, बस इन्हें आप 1 वीक फॉलो करके देखो यार, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ना मिले तो आप मुझे कमेंट में आकर जरूर बताना, लेकिन जितने भी मैं आपको पॉइंट बताया बस इसे प्रॉपर वे में फॉलो करो, देख लेना यार आपको एक 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू भी करेगी, आपकी इज्जत भी करेगी, आपको रिस्पेक्ट भी करेगी।